फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है रजनी कोठार। तो हम लोग आज कहाँ पर आए हुए हैं, इशू बताओ। सुखना लेक। सुखना लेक हम आ गए हैं सुखना लेक में, और आपको आज व्यू कराने वाले हैं हम सुखना लेक। काफ़ी बार हम आ चुके हैं, आज हम आप लोगों को व्यू कराने आए हैं। तो अभी चलते हैं हम और आपको भी दिखाते हैं, आपको भी सैर कराते हैं हम। फ्रेंड्स यहाँ से हम आ चुके हैं सुखना लेक में, और यहाँ पर ये आउटर एरिया है, और यहाँ पर एक कैमल भी है, कैमल राइड भी होती हैं। और अभी हम जा रहे हैं अंदर सुखना लेक में, मेन एंट्रेंस है ये वाली। वैसे दो तीन एंट्रेंस और हैं जो छोटी छोटी, मतलब जहाँ पर स्टेयर्स वगैरह, काफ़ी स्टेयर्स चलना पड़ता है, बट ये वाली मेन एंट्रेंस ये वाला है। तो चलिए फिर अंदर की तरफ चलते हैं। ये लोग आराध्या यहाँ पर अटक गई थी, बैठ रही थी, बट यहाँ पर फंस चुकी है और उसके पापा ने निकाल दिया है, और अब हम जाएंगे अंदर। तो यहाँ आ गए हम अंदर की तरफ, और अंदर जाते जाते यहाँ पर ये एरिया एंट्रेंस में है, और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ बैठने के लिए है, और एक रेस्टोरेंट भी है, और आइसक्रीम पार्लर भी है, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। है रेस्टोरेंट और यहाँ पर है सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर कभी कभी शाम को म्यूजिकल नाइट वगैरह भी होती हैं। अभी कोविड की वजह से सभी कुछ मोस्टली बंद है, तो बोटिंग वगैरह चल रही है, बोटिंग है, एडवेंचर, यहाँ पर एडवेंचर की एडवेंचर टाइप का है, अच्छा है। तो ये रहा, और ये बोटिंग के चार्जेस वगैरह इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 300 पर पर्सन 15 मिनट्स के लिए। और ये एडवेंचर के जितनी भी इसकी कॉस्ट है। और ये यहाँ से बोटिंग एरिया है, ये रही झील। फ्रेंड्स सुखना लेक चंडीगढ़ में स्थित है, और ये 3 किलोमीटर तक फैली हुई इस झील का निर्माण सन 1958 में शिवालिक पहाड़ियों से नीचे आने वाले पानी पर बांध बनाकर किया गया था। और अभी इसकी टाइमिंग्स जो हैं सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक ये खुला रहता है, और ये 7 डेज ओपन होता है, संडे को भी और बाकी सभी डेज खुला रहता है। और इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, यहाँ बोटिंग भी की जा सकती है, और ठंड में, जब ठंड का टाइम होता है ना विंटर टाइम, तो यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते हैं, मतलब विदेशी प्रवासी पक्षी, बाहर के पक्षी भी आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, डक्स हो गया कुछ भी। तो और ये देखिए बहुत लंबा एरिया है 3 किलोमीटर का। ये देखिए, और ये पेड़ है, ये पेड़ 150 इयर्स तक इससे पुराना या इतना है, तो पीपल का पेड़ है ये, और ये बहुत अच्छे से फैला हुआ है। कहाँ से? यहाँ पर यीशु एक स्टोरी बना रहा है डायनासोर की, वो भी सुन लीजिए। डाइजेस्ट कहाँ है? उधर वो पानी में जा रहा है, घर सीधा वो खाना पीना खा ही रहे हैं, देखो उधर से वो बबल की पानी पी रहे हैं, खाना तो खा नहीं रहे हैं। और ये क्या लिखा है इसमें, 150 इयर्स अप्रोक्सीमेटली, कम से कम 150 साल पुराना पेड़ है ये। हाँ, विद अ हाइट ऑफ अबाउट 75 फीट, 75 फीट इसकी हाइट है, बहुत बड़ा पेड़ है। लिखा था वहाँ, सारा चीज लिखी है। चंडीगढ़ के धरोहर झील का पीपल। साइलेंस जोन किशु, शांत क्षेत्र है। पहले तो मैं आपको इधर का व्यू करा देती हूँ, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा है हरियाली। चंडीगढ़ तो वैसे ही क्लीन एंड ग्रीन सिटी के इसमें आती है, तो देखिए पंजाब और हरियाणा की कैपिटल में भी, पंजाब और हरियाणा,
यहाँ पर भाई बहन हो और आपस में लड़ाई ना करें तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर इन दोनों की भी लड़ाई हो रही है। यहाँ पर लोगों ने चिप्स खाए, चिप्स फेंके, जो भी चीजें वो देखो वहाँ बॉटल्स वगैरह, वो कुक कोल्ड ड्रिंक्स, स्लीपर में बैग रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी करके, और इतने सारे डस्टबिन यहाँ पर लगे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने डस्टबिन में नहीं डाला हुआ, सारा कूड़ा यहाँ पर फेंका। कहीं पर भी जाए जो जितना भी कूड़ा हो कहाँ पर डालना चाहिए, डस्टबिन में, और अगर डस्टबिन में नहीं है तो पन्नी लेके आओ साथ में, उस पन्नी में सारा कूड़ा लेके चले जाओ। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, हमारे पास वो नहीं होता तो हम कहीं हाथ में, हम अपने साथ अपने पन्नी में या लिफाफे जो भी हम लेके आते हैं उसमें डाल देते हैं। अभी हमने भी खाया था यहाँ पर तो हमने वो डस्टबिन के अंदर डाल दिया, फेंक दिया। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, पत्थर लेकिन अभी इस कौवे को पॉट नहीं मिला, पत्थर तो मिल गया। अब बैठो उसके अंदर, चलो उसके अंदर बैठ के जाओ, बैठे तीनों। और अभी हम आ गए यहाँ पर, एक एक्सरसाइज एरिया है मतलब, तो ये भाई लोग भी यहाँ पर थे, आज पर्स गिर गया, पर्स अच्छे से कर रहे हैं आज, ये शोर भी देख रहे थे और आराध्य भी इन्हें देख के कोशिश कर रही थी करने की। ये देखिए कितने अच्छे से कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, अच्छा लग रहा था देख के। ये देखिए कितने अच्छे से बैंड किया उन्होंने, आराध्य और यीशु भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर यीशु कर रहा है और अभी आराध्य भी करेगी, आराध्य भी कर रही थी, ये देखिए दोनों कर रहे थे। वॉकिंग एरिया भी है यहाँ पर, तो काफ़ी लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए भी आते हैं डेली। और ये आराध्य बैठ गई यहाँ पर, आराध्य और यीशु अब राइड लेने जा रहे हैं, कैमल राइड, जाओ बेटा। कौन आ गए राज्य आगे, फोटो अपलोड करो, चलो राज्य मेरे ध्यान से पकड़ना, भैया जी को मत पकड़ना, वो पकड़ना, ध्यान से पकड़ना, कुछ नहीं है। और यहाँ पर चंडीगढ़ में साइकिल भी मिल जाती हैं, साइकिल हाफ एन आवर के 10 रुपीज़ होता है, बट 27 सितंबर तक फ्री चल रही थी साइकिल, आप पूरे चंडीगढ़ में कहीं भी घुमा सकते हैं। तो वही चला रहे थे यहाँ पर, बच्चे चला रहे थे बॉयज़, तो मेरे हस्बैंड ने भी ले ली थी थोड़ी देर के लिए, और वो भी चला रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, ये भी चला रहे, और थोड़ा सा यीशु ने भी चलाया और आराध्य ने भी चलाया। ये आप पूरे चंडीगढ़ में कहीं भी घुमा सकते हैं और जगह जगह हर सेक्टर्स में ये आपको मिल जाएंगी साइकिल्स। यीशु ध्यान से, ये तो जरा से भी बहुत तेज चल रही थी, हमने अभी व्यू कर ली करवा दिया है आपको सुखना लेक का। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको कैसा लगा व्लॉग, और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ व्लॉग सुदर्शी कोठारी, बाय।